नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता लोगों का अब मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो सकेगा। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके लिए प्रमाण पत्र 3 श्रेणियों में जारी होंगे। पहली श्रेणी उत्तराखंड निवासियों की है, दूसरी राज्य के बाहर के लोगों की और तीसरी पर्यटक श्रेणी है। इस आदेश के बाद अब लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने में भी आसानी हो सकेगी। बता दें कि चमोली में आई आपदा में अब तक 69 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 28 मानव अंग भी बरामद किए गए। इनमें से 39 शवों की पहचान और एक मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किए गए हैं। वहीं जोशीमठ थाने पर अब तक कुल 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है। अभी तक कुल 96 परिजनों, 48 शवों और 25 मानव अंगों के डीएनए सैंपल मिलना हेतु FSL देहरादून भेजे गए हैं। तो तपोवन की टनल में 16वें दिन भी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। टनल में रेस्क्यू के दौरान आज एक और शव बरामद किया गया है, जिसकी शिनाख्त भी हो गई है। वहीं टनल में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं चमोली के ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील में प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते अब सरकार रोंठी झील को खाली कराना चाहती है। वहीं झील की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल पैदल रैणी गांव से 8 किलोमीटर चलकर पहुंचा और झील का जायजा लिया। वहीं बेस कैंप मुराड्डा गांव से SDRF और DRDO के वैज्ञानिकों का दल भी झील की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ITBP की तरफ से झील के पास एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। इससे पहले इंडियन नेवी की टीम भी हेली से बेस कैंप पहुंचकर झील की गहराई का अध्ययन कर लौट चुकी है। बताया जा रहा है कि झील करीब 8 से 10 मीटर गहरी है और बड़ी बात यह है कि यह झील चौराबारी केदारनाथ की झील से बड़ी बताई गई है, जिसके बाद प्रदेश सरकार आपदा जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए झील खाली कराना चाह रही है। वहीं झील से रिस रहे पानी की ज्यादा निकासी हो, इसके लिए ITBP के हिमवीर जवान लगातार झील के मुहाने पर चैनलों को चौड़ा कर मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। 24 फरवरी को मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए सरकार हर एक सुरक्षा के उपाय पर विचार कर रही है। ये वो जो झील बनी है उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। ये ऑलमोस्ट पूरी रिवर है और मड़ी पानी नहीं, बिल्कुल क्लियर वाटर है और अच्छा खासा डिस्चार्ज हो रहा है। लेक पे फिलहाल कोई प्रेशर नहीं बन रहा और ये 500-700 मीटर की डिग्रीज है, ये पूरी डिग्रीज है। यहाँ से आधा घंटा लगता है लेक के मुहाने पहुंचने में। ओके सर, चलो। वहीं चमोली जिले के तपोवन रैणी गांव में आई भीषण आपदा के बाद कई गांव का मुख्यालय से संपर्क मार्ग कट चुका था, जिसको लेकर शासन प्रशासन और BRO की तरफ से युद्ध स्तर पर पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक हफ्ते में पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अपने निजी कार्य के लिए आवाजाही करने में आसानी होगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले आई भीषण आपदा के चलते ये पुल टूट चुका था, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अभी BRO की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था कर झूला ट्रॉली लगा दी गई है, जिससे ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कार्य कर सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण आपदा के बाद पुल टूट जाने से कई गांव प्रभावित हो गए थे, लेकिन BRO की तरफ से युद्ध स्तर पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि अभी BRO की तरफ से वैकल्पिक झूला ट्रॉली की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण आवाजाही कर सके। वहीं महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य स्तर पर BJP सरकार को घेर रही है। देहरादून में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां कांग्रेस आज प्रदेश भर में महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में पदयात्रा निकालती हुई नजर आई, जिसकी तैयारी कांग्रेस प्रदेश की ओर से की गई थी। तो कांग्रेस कार्यकर्ता सभी ब्लॉक मुख्यालयों में ये पदयात्रा निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने और महंगाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हाथों में तख्ती और सिर पर सिलेंडर रखकर अपना विरोध जताया और पदयात्रा निकाली। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिंदु खत्ता कार रोड पर इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और कई मार्गों से पदयात्रा के रूप में जुलूस निकाला। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन BJP की गलत नीति और बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे महंगाई बढ़ती जा रही है और समाज का हर वर्ग दुखी है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही कोई नीति लाकर तेल की कीमतों को कम नहीं करेगी तो कांग्रेस का प्रदर्शन और तेज होगा।
बढ़ रही महंगाई को लेकर के कांग्रेस देश भर में हल्ला मचा रही है। आज उत्तराखंड में पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरह के अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खुद कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सस्तो के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है और जमीन पर लेटे हुए हैं, यानी महंगाई की मार को किस तरह प्रदर्शित कर रहे हैं इनसे बात करेंगे। सस्तो जी, आप इस तरह सिलेंडर आपकी कमर पर पीठ पर रखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या आपका? मेरा मतलब है ये जो मोदी जी ने 800 रुपए का गैस का सिलेंडर करा है, मेरे लक्सर का, मेरे हरिद्वार का, मेरे उत्तराखंड का, मेरे देश का आम नागरिक इस महंगाई से, इनके जो रेट हैं, इनका जो मूल्य है, उन मूल्यों से आम आदमी दब रहा है। मेरा ये मैसेज देने का प्रयास है और ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा कालापन है। आपने सुना कांग्रेस नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह की महंगाई है उस तरह से आम आदमी भी कहीं ना कहीं इसमें दबकर टूट रहा है, कमर टूट गई है, ये संदेश देना चाह रहे हैं और एक साफ बात और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को प्रदेश के जो नेतृत्व है उसके नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाला टाइम बताएगा किस तरह कांग्रेस आगे आंदोलन को चलाती है। जसप्रीत सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। वहीं उत्तराखंड में उपनल की तरफ से संविदा पर लगे सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के विरोध में आज प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी दून के मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में स्टाफ नर्स के साथ साथ पीआरडी के कर्मचारियों ने धरना देकर नारेबाजी की। इस मौके पर स्टाफ नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिशा वर्मा ने कहा कि हम लोगों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, दिन रात भूखे प्यासे रहकर लोगों की सेवा की है, लेकिन आज हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बमांग की कि 28 फरवरी को हमारी सेवाओं को आगे भी बहाल किया जाए और हमारी वेतन में भी वृद्धि की जाए। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो वो धरने पर बैठ रहे। जब हम लोगों को किसी ने नहीं सुनी तब हम लोग धरना प्रदर्शन पे आएंगे और अभी भी हम बहुत शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। हम किसी प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, अपने प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को किसी को कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हमको अपनी डिमांड रखनी है। हम लोग नौकरी के लिए गए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने रिज्यूम भी लगाए हैं, वही 6,000-7,000 रुपये पे हमें रखा जा रहा है। उसके लिए भी हमें 12 घंटे की ड्यूटी दी जाएगी। हम लोगों ने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया था। हम लोगों ने इसी उम्मीद में किया था कि सरकार हमें देखेगी, हमारा काम देखेगी इस टाइम पे, पर सरकार तो आंख बंद करके बैठी है। वहीं लक्सर में भी उपनल कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। ऊर्जा निगम में उपनल के जरिए नियुक्त कर्मचारियों ने लक्सर बिजली घर पर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और समान कार्य समान वेतन मान लागू किए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने बिजली घर में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार की तरफ से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जिसे वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि कार्य बहिष्कार की कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। आज पूरे प्रदेश भर में हमारे 22 और 23 तारीख को कार्य बहिष्कार है। हमारे सब डिवीजन ऑफिस में सिर्फ आज 1 घंटे का और कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि हमें समान कार्य के साथ समान वेतन दिया जाए और हाई कोर्ट के इसमें आदेश आ चुके हैं बहुत पहले और अभी तक उसको सरकार लागू नहीं कर रही है हमारे उसमें। हमसे पहले 5-6 बंदे हमसे पहले इसको ले रहे हैं, मतलब समान कार्य समान वेतन को उनके ऊपर लागू हो गया तो हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा है लागू? हम ये चाहते हैं कि हमें सबको समान कार्य समान वेतन मिले। मैं कि जब हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है उसके बाद भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का जो रवैया है बिल्कुल सतला रवैया अपना रही है सरकार। हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए समान कार्य समान वेतन को, ताकि किसी प्रकार की किसी कर्मचारी को दिक्कत ना हो। हमारी मांग यही है सरकार से और इसे तुरंत लागू किया जाए। वहीं कुंभ मेले में कोविड नियमों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार की ओर से SOP जारी होने से जिले के व्यापारी खासा परेशान है। वहीं इसके चलते संयुक्त व्यापारी मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को 1 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। वहीं व्यापारियों ने मांग की है कि SOP के नियमों को सरल कर देना चाहिए ताकि व्यापारियों से लेकर अन्य व्यवसायियों को भी इसका फायदा मिल सके। वहीं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने व्यापारियों की मांगों पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के बाद व्यवस्थाएं चरमराई हैं, ऐसे में व्यापारियों की समस्याओं को सरकार को सुनना चाहिए। वहीं हरक सिंह रावत ने भी कहा कि कोरोना के चलते इस तरह की सख्ती की गई है जिसका पालन करना सभी को जरूरी है। देखिए, हमारा सीधी सीधी मांग है सरकार से कि जो SOP है उसमें सरलीकरण होना चाहिए और साथ ही तीर्थ यात्री किस प्रकार से
कोरोना से बचाव के जो संसाधन हैं उसके लिए हमारे जागरूकता के अभियान हैं वो जारी रहने चाहिए, और इसी के साथ जो हमारे हरिद्वार का व्यापार है, चाहे वो उसमें व्यापारी है, चाहे ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे विक्रम वाला है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे हमारा ट्रेवल्स वाला है, और चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर है, और चाहे हमारा ठेली वाला है, तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सबका काम चलना चाहिए, सबका व्यापार चलना चाहिए, संचालित होना चाहिए, व्यापारियों का ध्यान होना चाहिए उनके लिए, लाभ के लिए व्यापार, क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही काफ़ी चरमराया है, लोगों के जीवन को उनसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। व्यापारी भी हमारे इस समुदाय में से हैं, हमारे परिवार के हमारे भाई बंधु लोग हैं, उनके जीवन के लिए भी उनके आगे के लिए भी जो उचित हो जो संभव हो वो अच्छा काम करना चाहिए। देखिए, क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। वहीं गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए काम करने वाली संस्था मात्र सदन ने एक बार फिर से अनशन की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी से मात्र सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद के शिव्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठेंगे। गंगा स्वच्छता से जुड़ी इस बार उनकी सरकार से प्रमुख चार मांगे हैं, इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं पर रोक, रायवाला से रायघाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद के गंगा एक्ट के गठन और गंगा परिषद बनाए जाने की मुख्य मांगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी लिखा है। गौरतलब है कि आत्मबोधानंद ने पहले भी 194 दिन का अनशन किया था और सरकार की ओर से मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद ही उन्होंने अनशन तोड़ा था। वहीं स्वामी शिवानंद ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गंगा और उत्तराखंड की नदियों पर जो बांध बनाकर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है, उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में आए दिन आपदाएं आ रही हैं। प्रमुख वही चार है जो शिवानंद जी के प्रमुख मांगों में है। कल से अनशन शुरू हो जा रहा है, सवेरे से। चार मांगों में यही है कि गंगा और उसके गंगा में के जो हैं भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा और उसके सहायक नदियों पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित समस्त बांध को तत्काल बंद करें। गंगा के लिए खनन की यहाँ तक बात है तो रायबाला से रायघाटी तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध हो, 5 किलोमीटर तक स्टोन केसर को हटाया जाए। तीसरी बात है, इसके लिए गंगा भक्त परिषद बने और उस परिषद को बनाने के लिए गंगा एक्ट बने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।